वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू छोटे बुढ़े सारा प्यार बड़ों को पैरी पौना जी गाइस टाइम हो रहा है पौना एक और मैं निकल रही हूँ फटाफट स्कूल आई नहीं नहीं स्कूल नहीं स्कूल नहीं हाँ जी आंटी आई गाइस आरब को लाने में तो अभी टाइम है और मैं जा रही हूँ उसकी बुक्स ले रही बेटी की जीन्स लेने मैं कल गई नहीं बहुत लेट हो गई थी आज शाम को फिर बंदे भी जाने तो मैंने काम जल्दी जल्दी खत्म कर लिया आधा पौना घंटा है मेरे पास मैसेज तो मैं निकल जाती हूँ लपेट लपाट के और ये देखिए मेरे बाल देख रहे हैं आप झाड़ू जैसे अभी इनको खोल दूंगी ना अभी ये स्ट्रेट ही रहेंगे और मेरी बेटी मुझे हेड वॉश नहीं करने दे रही वो कह रही है कि नहीं अभी आप एक दो दिन ऐसे ही रखो अच्छे लग रहे हैं और हो सके तो परमानेंट स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग करा लो जो मैंने बिल्कुल नहीं करा रही तो मुझे सर नहीं धोने दिया जा रहा देखो ज़रा कि ये बाल आपके अच्छे लग रहे हैं तो चलिए गाइस मैं निकलती हूँ देखो अलार्म बज गया कि मुझे सामान लेने जाना है तो मैं निकलती हूँ अरे रुक जा एक मिनट गाइस बाज़ार में से जीन्स भी ले ली और आरब की दोनों बुक्स भी मिल गई और मैं उसको ले भी आई हूँ लेकिन इतनी गर्मी हो रही है ना मतलब मरने वाला हाल है तो गन्ने का जूस बनवाया जा रहा है गन्ने का जूस पी के हम घर पहुँचते हैं और घर जाके आरब का आज जो राइस ही खाएगा वो लोग सोया होगा तो चलिए घर पहुँच गया ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी बैक गाइस मैं सुबह मिली थी और मेरा ना गला पता नहीं क्यों बैठ गया और ये फ़ोन में ना फोटो बड़ी जूम होके लगती है देखिए मैंने आज भी हैंड वॉश नहीं किया और बाल टाई अप कर लिए नॉट बना लिए बेटी का फ़ोन आ रहा मम्मी आज भी सर मत धोना मतलब शी इज़ गोइंग टू बी क्रेजी टोटली क्योंकि उसको ना ये बाल मेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं बट वो मुझे बार बार फोर्स कर रही है कि कल मेरी छुट्टी है तो आप इसको परमानेंट क्या बोल रही थी वो कैराटिन नहीं पता नहीं कुछ नया सा नाम ले रही थी कि वो ट्रेंड में चला हुआ है उससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे बट मैंने आज हेड वॉश नहीं किया बट रात को मैं सर धो लूँगी क्योंकि मुझे कल बहुत सारे काम है बाजार के तो मुझे सुबह टाइम नहीं लगेगा तो आज उसका दिल रखने के लिए मैंने ये पूँछ बांध ली बट ना ब्रूनो की ही पूँछ के बाल और मेरे ये सर के बाल बिल्कुल सेम हो रहे हैं उसके भी जो टेल में बाल है ना वो ऐसे ही हैं झाड़ू जैसे और मेरे भी ऐसे हुए पड़े तो दोनों के हम बाल सेम हो रहे हैं तो अभी टाइम है आज जोत जलाने का थर्सडे है हैप्पी थर्सडे और बाबा जी के दर्शन तो आपको पीछे हो ही जाते हैं हमारे साथ तो मंदिर भी जाना है और बाजार के काम तो मैंने दिन में निपटा ही लिए थे एज सच कुछ और इम्पॉर्टेंट काम है नहीं तो चलिए बच्चों के आने से पहले हम अपना काम निपटाते हैं कॉफ़ी बनाते हैं और करते हैं तैयारी पढ़ाने की अब गाइस आरब और ब्रूनो तो अंदर सो रहे हैं तो मैं टेबल को इधर खिसका लूँ इधर खिसकाना आसान है यहाँ जगह हो जाती है और फिर एसी चलाते हैं और ये आरब की जो बुक्स मैंने मंगवाई थी ये भी टैली करनी पड़ेगी कि यही है ना क्योंकि इसको अभी पता नहीं है कि यही वाली बुक है तो बच्चे आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे और फिर इस पर आरब का नाम लिख दिया जाएगा हमारे बच्चा लोग पढ़कर गए और बेटी का फोन आ गया कि मैं आ रही हूँ तो मैं अभी मंदिर उसका वेट करके जाऊंगी तब तक हम ब्रूनो को थोड़ा सा एक बनाना शनाना खिला देते हैं फिर उसके बाद हम जाते हैं मंदिर इस मंदिर पहुंच गई हूँ और ये देखिए ये मेरा वेट करती है हेलो गाइस बोल दे हेलो गाइस चलो मंदिर चलें फटाफट अरे ध्यान से और मंदिर ताले की तरफ बहुत सजा हुआ है आओ दिखाएं क्या बांट रहे हो प्रसाद में हैप्पी बर्थडे किसका है गाइस कल बाबा जी का बर्थडे था और मुझे पता ही नहीं है मुझे इतना बुरा लग रहा है अभी लड़ती हूँ पंडित जी से जाकर देखना जय साईनाथ जी। फाइनली मैं घर पहुंच गई और अब मैं बनाने लगी हूँ दाल चने की दाल पीली वाली ओहो लाइट पीली वाली दाल घिया डाल के फटाफट से दाल बनानी है आटा गूंदा पड़ा है चावल बने पड़े हैं तो चलिए बनाते हैं दाल और करते हैं तैयारी गाइस ये देखिए दाल मैं ना भिगा के भागी थी फटाफट जब बेटी का फोन आया कि लेने पहुंचो और आती एक थम्सअप पूरी चट कर ली पीली फैसिलिटी हो रही थी बहुत ज्यादा वाली तो ये है घिया को मैं काट के डाल दूंगी कहाँ गया खोलती हूँ रुको ये देखिए पता नहीं घी की शक्ल तो बड़ी अजीब सी निकली है अब काट के पता चलेगा कि सही है कि नहीं चलो काट के देखते हैं खराब हुआ तो नहीं डालूंगी बिल्कुल भी और आई थिंक आरब दूध बाहर ही छोड़ गए देखो दोपहर का दूध बाहर पड़ा खराब हो जाएगा इसे अंदर रखते हैं और करते हैं रसोई में तैयारी खाने की ये देखिए रोटी टाइम दाल हो गई है आरब के लिए चिकन है रेडी बिल्कुल और रोटियां बन रही हैं फटाफट फूल के गर्मी बहुत है लेकिन हमारी चिमनी का बड़ा सुख है चिमनी का सुख इसलिए है मैं आपको बताऊँ धुआं इकट्ठा होता तो इसलिए थोड़ी हीट कम लगती है तो चलिए फटाफट बनाते हैं रोटियां और ये देखिए तुम कैमरा इधर मैंने अपने लिए ना नमक और हल्दी वाली दाल पहले ही निकाल के अलग कर ली और तुम्हारे लिए जो दाल बनाई है तुम्हारा वो कहाँ गया कल जो बनाया था तुमने अपने क्या बगैर मसालों के कुछ बनाया भी तो था चिकन हाँ वो कहाँ गया वो खत्म तो मैंने जो एक चीज बताया गाइस खाने का काम तो हो गया और अभी आरफ के स्कूल के लिए ना कोई प्ले कार्ड बनाना है प्रोजेक्ट के लिए तो उसमें मेरे हस्बैंड ड्रॉ कर रहे हैं मैं शायद आरफ कलर करेगा मैं रसोई से मिटूंगी और फिर बाद में जो बोर्ड बोर्ड लगाना है स्टैंड बनाने के लिए वो मैं लगा दूंगी मेरे हस्बैंड की ड्राइंग बहुत अच्छी है मैं आपको दिखाती हूँ
गाइज ये देखिए, गाइज ये देखिए इमेज, तो आपको पता है आजकल ब्लैक गूगल से निकाल ली जाती है, मैं कह रही थी ब्लैक बोर्ड से निकाल लेते हैं, और ये ड्राइंग की जा रही है। तो अब इसके बाद कलरिंग का काम आरफ करेगा, राइट, गुड। और ये बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, है ना बंदर जा, कैसे बैठा हुआ आराम से सोफे पे। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड ने ड्रॉ किया है और कितना सुंदर बना। ये देखिए, ऐसे लग रहा है मैं फोन की फोटो पूरी छाप दी हूँ, बट इन्होंने खुद बिल्कुल फ्री हैंडेडली बनाया। अब आरफ इस पे कलर करने लगा, करो जी। गाइज ये देखिए, अर्थ डे पे जो कार्ड बनाना था वो पूरा हो गया कंप्लीट, और इस तरीके से ही बनाया गया और बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए अभी हम करते हैं व्लॉग को एंड।